सदगुरु कबीर ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कुछ वर्ष पहले यहाँ कुछ लोगों की उपस्थिति रही, अब उनकी उपस्थिति सदा सदा के लिए लुप्त हो गई। लेकिन रह क्या गया? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, इस दुनिया में जो भी आए हैं सबको जाना है। हम भी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, सब चले जाएंगे। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब चले जाएंगे। लेकिन अंतर इतना रह जाता है कि कोई सिंहासन में चढ़ करके जाता है तो कोई जंजीर में बंद करके जाता है। सिंहासन और जंजीर क्या है? आदमी जाता है इस दुनिया से तो अपने साथ क्या लेकर के जाता है? आखिर सिंहासन और जंजीर इस दुनिया में जब कोई आदमी जाता है तो कोई आदमी को जंजीर से बांध करके नहीं ले जाया जाता है, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जंजीर में बंद करके जाता है आदमी। और शायद हम आप अपने से पूछे ना तो हम सब के सब भी जंजीर में बंधने की तैयारी कर रहे हैं और जंजीर से बंधे हैं और वही जंजीर में तक जगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिंहासन की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। जो आदमी सिंहासन में चढ़ के जाना चाहेगा क्या उनको जंजीर पसंद होगा? जो आदमी सिंहासन में चढ़ के जाना चाहेगा वो क्या किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, किसी से कलह करेगा? क्या भाई और भाई से लड़ेगा, देरान और जेठान से लड़ेगा, पिता और पुत्र से लड़ेगा, सास और बहू से लड़ेगा? जो आदमी जंजीर में बंद करके जाते हैं उसके लिए चीज है, लेकिन जो सिंहासन में चढ़ करके जाना चाहता है उनको, हर व्यक्ति को अपनी तैयारी करना चाहिए, हम सबको भी तैयारी करना चाहिए। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी ये जिंदगी है और इस जिंदगी में आज हम सावधान नहीं हुए, आज हम अपने जंजीर को काटने का काम नहीं किए तो हमेशा हमेशा के लिए बंधे रह जाएंगे हम। आज अवसर मिला है, जंजीर कहाँ से कटेगा? मुझे एक बात याद है, हंसी आती है कभी कभी सुनता हूँ तो, कहते हैं इस दुनिया में जंजीर काटने वाले हैं, लेकिन जंजीर काटने वाले इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं, और सच में कुछ लोग हैं, लेकिन कहते हैं कि जंजीर काटने के लिए उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों का नाम लेते हैं, मेरी बात होती है तो कहता हूं आपकी मान्यता गलत है। आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो मुक्ति या मोक्ष, यदि मुक्ति और मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपको उसके शरण में जाना ही पड़ेगा, उसके शरण के अलावा दूसरे के शरण में मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं आपको बताना चाहूं, मुक्ति और मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, कोई बांटता चले, कोई वस्तु नहीं है कि कोई मोक्ष का ठेकेदार हो। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर पंथ में भी मोक्ष देने वाले हकदार कुछ ही लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, ये मन की मान्यता आदमी को निकाल देनी चाहिए। लोग ये कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, फोन भी आता है कई लोगों की, आप लोग बोलते तो अच्छा है लेकिन आप लोग मोक्ष का हकदार नहीं है। कहते हैं मोक्ष हकदार वही कुछ ही वही है जो सदगुरु कबीर के द्वारा कहे गए व्यक्ति है। मैं कहता हूं मोक्ष कोई वस्तु नहीं है भैया, मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, कोई आदमी बांटता चले और आदमी लेता चले और मोक्ष मिल जाए। मोक्ष हर व्यक्ति पा सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति मुक्ति को महसूस कर सकता है और आनंद का जिंदगी जी सकता है। मोक्ष की परिभाषा इतना सरल है लेकिन जीने में बहुत समय लग जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय हो जाना, और मोह का क्षय होने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। कैसे मोह होता है हमको? प्राणी से, पदार्थों से, पत्नी से, बच्चे से, गाड़ी से, मोबाइल से, अपने जीवन से, मोक्ष अपने जीवन से प्रेम नहीं होता है।
अपने जीवन से ज़्यादा प्रेम पदार्थों के प्रति होता है, अपने जीवन से ज़्यादा प्रेम प्राणी और पदार्थों के प्रति होता है, वस्तुओं के लिए होता है, अपने जीवन के लिए प्रेम होता तो हम जकड़े नहीं रहते। जंजीर क्या चीज है? जंजीर है वासना, खाने की, देखने की, भोगने की, चखने की, पाने की लालसा, ये वासना जंजीर है। निंदा चुगली ये जंजीर है। और हम क्या करते हैं? वही तो कर रहे हैं। हम सद्गुरु के अनुयायी होते हुए भी हम वही तो कर रहे हैं। रोज हमारे मन में शिकायत रहती है, बच्चे ऐसे हैं, पत्नी ऐसे हैं, पिता ऐसे हैं, पुत्र ऐसे हैं, पड़ोसी ऐसे हैं। क्या हम जंजीर नहीं बांध रहे हैं? क्या अपने लिए हम जंजीर तैयार नहीं कर रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, सावधान हो जाओ। सद्गुरु कबीर कह रहे हैं आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाना ही है। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको जाना है। लेकिन अंतर इतना है कि एक आदमी जंजीर में चढ़ करके, जंजीर में बंद करके जाता है, और एक सिंहासन में चढ़ करके जाता है। कौन सा सिंहासन है वो? वो सिंहासन है आनंद का, वो सिंहासन है प्रेम का, वो सिंहासन है विश्वास का, वो सिंहासन है मन की प्रसन्नता का। क्या इसके लिए हम कुछ काम करते हैं? हम संपत्ति के लिए काम करते हैं, संपत्ति बढ़ता है, परिवार के लिए काम करते हैं, परिवार बढ़ता है, नौकरी के लिए काम करते हैं, नौकरी बढ़ती है, गाड़ियां चाहते हैं, गाड़ियां बढ़ती है, खेत चाहते हैं, खेत बढ़ता है, धन दौलत चाहते हैं, धन दौलत बढ़ता है। क्या जीवन में आनंद के लिए आनंद भी चाहते हैं हम? और ये नहीं चाहते हैं तो जंजीर में ही तो बनने की तैयारी कर रहे हैं। बाहरी पानी और पदार्थों को संवार रहे हैं, शरीर को संवार रहे हैं, क्या अपने जीवन को भी संवार रहे हैं? जीवन को हमने नहीं संवारा है। ना जाने अनादि काल से इस जंजीर में बनते आए हैं, और आज भी इस मोक्ष भूमिका में आकर के, मोक्ष भूमिका कौन सा है? मनुष्य है, एक ऐसी भूमिका है जहां हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जानवरों के पास विकसित मन नहीं है, मनुष्य के पास विकसित मन है। आज अवसर मिला है प्रेम की जिंदगी जीने के लिए, आज अवसर मिला है हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना सरल है, ढाई अक्षर है मात्र प्रेम, और इसके इस शब्द को जीने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। 70-80-90 साल कम पड़ जाता है इस प्रेम शब्द को जीने के लिए। 50-60-70-80 साल हो जाता है। लेकिन प्रेम क्या चीज होता है, प्रेम शब्द कैसे होता है, जीवन के जीवन में आचरित ही नहीं हो पाता है। जब देखो तब आदमी के मन में वैर भाव रहता है, जब देखो तब एक दूसरे के लिए शिकायत भरी जिंदगी जीते हैं हम, जब देखो तब बच्चे के लिए शिकायत, पत्नी के लिए शिकायत, बहू के लिए शिकायत, सासू के लिए शिकायत, पड़ोसी के लिए शिकायत। क्या जीवन में जंजीर नहीं बांध रहे हैं हम? कितना जंजीर बांध लेंगे? इतनी बड़ी बड़ी हम जंजीर बांधते चले जा रहे हैं, और इस जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे पास और कोई साधन नहीं है। यार आज हम सत्संग से अपने जीवन को नहीं बदले दो। मैंने बीच में कहा कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां होती है। आप सबसे निवेदन है कि कोई यदि कहते हैं कि मोक्ष यहाँ जाने से मिलेगा, मोक्ष वहाँ जाने से मिलेगा, मोक्ष इस गुरु से मिलेगा, मोक्ष उस गुरु से मिलेगा, तो मैं कहता हूँ वो मोक्ष नहीं, वो कर्मकांड ही है। क्षमा चाहता हूँ मैं। यदि कोई कहते हैं, मैं कह दूँ कि मोक्ष सिर्फ हमारे गुरुजी से मिलेगा, तो मैं भी कर्मकांडी ही हूँ, और कड़वे शब्द में कहूँ तो पाखंड कहलाता है इसको। मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, मैं पहले ही कहा। आपकी मन की स्थिति है। एक आदमी है जो गुरु से जा करके दीक्षा ले लेता है, और गुरु से जा करके दीक्षा लेता है, लेकिन उनके मन से राग और द्वेष खत्म नहीं होता है, कलह कल्पना खत्म नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं। और लड़ाई झगड़ा राग द्वेष तो मोटी चीज, एक तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट पीता है वो भी खत्म नहीं हो पाता है, और गुरु से दीक्षा लेने मात्र से मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष का जीवन आप जी सकते हैं, स्वर्ग का जीवन आप जी सकते हैं। सद्गुरु अभिलाष साहब जी हमारे गुरुदेव जी हैं, इतना सरल अर्थ की उन्होंने मोक्ष का अर्थ इतना सरल अर्थों में दिए कि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। क्या हम अपने मोह का क्षय करना चाहते हैं?
क्या हम अपने साथ इस दुनिया से जाएंगे तो क्या ये धन दौलत गाड़ी घोड़े मकान सब लेकर के जाएंगे? इसका मतलब ये विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हम गाड़ी ना खरीदे धन दौलत इकट्ठा ना करे, करे ये जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जीवन के लिए जरूरी है अपने जीवन की हम यथा को सुधारे, अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन में प्रेम का जीवन जिए, अपने जीवन में सम्मान का जीवन जिए, अपने जीवन को हम प्रसन्नता पूर्वक जिए, कलह से जीवन को बर्बाद मत करें, शिकायत भरी जिंदगी न जिए। शिकायत करते करते यदि जीवन बीतेगा तो हम जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब सिंहासन में चढ़ने की तैयारी करें। कौन सी सिंहासन? मैंने पहले ही कहा, प्रेम एक सिंहासन है, विश्वास एक सिंहासन है, आनंद एक सिंहासन है, धैर्य एक सिंहासन है, सम्मान एक सिंहासन है, इसमें चढ़ने की तैयारी करें। अपने साथ यही लेकर के जाते हैं, अपने साथ जो गुण होता है वो साथ में जाता है, अपने साथ में हमारे पास में जो अच्छा गुण होता है, अच्छा संस्कार होता है वो साथ में जाता है, बाकी तो इस दुनिया में सब छूट करके चले जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। इस दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ हमारे जो सद्गुण होते हैं वही संग, वही हमारा साथ जाता है। सद्गुरु ने कहा है, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया, संतो आगे होए सहाया। क्या इस धन की तैयारी कर रहे हैं? क्या इस धन को इकट्ठा करने के लिए हम अपना समय और शक्ति देते हैं? और ये इस धन को इकट्ठा नहीं किए तो हमारे जीवन से शिकायत कभी खत्म नहीं होगी। और लोगों का हर व्यक्ति के मन में एक शिकायत है कि हमारे बच्चे कहा नहीं मानते हैं। क्या हमने उसकी तैयारी की है? आपके बच्चे आपको कहा कैसे माने? क्या आप बच्चे को उस वैसा पदार्थ देते हैं, वैसा ज्ञान देते हैं, वैसा शब्द उनके पास संचालित करते हैं कि आपके बच्चे आपका कहा माने? हमने तो जीवन को वैसा बनाया नहीं, हमने तो बच्चे को पाठ सिखलाया ही नहीं। बच्चे को धन कैसे कमाना है ये पाठ सिखलाया, परिवार कैसे चलाना है ये पाठ सिखलाया, गाड़ी कैसे चलाना है, मोबाइल कैसे चलाना है, नौकरी कैसे करना है, ये सारे पाठ सिखलाए, लेकिन संस्कार की पाठ, जीवन की पाठ, जीवन के निर्माण की पाठ तो हमने तो नहीं सिखलाया ना, तो बच्चे कैसे कहा मानेंगे? बच्चे को कभी आश्रमों में नहीं ले गए जहाँ संत जन अपने जीवन का निर्माण करते हैं। बच्चे को कभी उस जगह पर नहीं ले गए जहाँ व्यक्ति अपने ही कर्मों के भरोसे अपना जीवन का निर्माण करते चले जाते हैं, जिसे हम बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, जैन जैसे संत का नाम लेते हैं। जहाँ निर्माण किया जाता है जीवन का, उस जगह पर हमने बच्चे को ले ही नहीं गया। बच्चे को भगवान के भरोसे बिठाए रहे। बच्चे को कुछ लोग तो बड़ी अजीब है, कबीर साहब ने जिस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, जिस पद्धति को तोड़ने का प्रयास किया, कुछ कबीर पंथियों ने उसी पद्धति को और पैसा और पूजाबा के बल पर उसी को और सामने लाने का प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं कबीर कबीर जपते रहो आपका पाप कट जाएंगे। सद्गुरु कबीर ने कहीं नहीं कहा है, न राम ने कहा है, न कृष्ण ने कहा है, न बुद्ध ने कहा है, न महावीर ने कहा है, कबीर जपने से पाप नहीं कटेंगे। यदि मैं गलत करता हूं, मैं लाख भगवान की पूजा कर लूं, लाख संतों की पूजा कर लूं, गलत करने पर मेरे पाप नहीं कटेंगे। यदि आग में मैं हाथ डालूंगा तो मेरे हाथ जलना पक्का है, कोई भगवान काम नहीं आएंगे। ऊपर से कोई पत्थर गिराए और मैं भगवान का भक्त बना रहूं और मैं सोचूं मेरे सिर पर पत्थर गिराने पर भी चोट नहीं लगना चाहिए, तो बात तो गलत हो गई ना। कर्मों को सुधारना है, किसी के नाम जपने मात्र से, नाम जपना है तो जपे, लेकिन नाम जपने मात्र से, किसी गुरु के दीक्षा लेने मात्र से, किसी गुरु के शिष्य हो जाने मात्र से कोई आदमी सिंहासन में चढ़ करके नहीं जाता है। सिंहासन में चढ़ करके जाता है जो आज तक हम इस दुनिया में जो किए हैं ना, वही हमारे साथ जाता है। मौत एक ऐसा तांडव है, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। आज से 6 महीना पहले एक लड़का बालोद के पास से शादी हुआ। शादी होने के बाद लड़का अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा था।
प्रस्थान कर रहा था, लेकिन वैसे ही पूरी शादी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद में सुबह अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा था, वैसे उसके सीने में दर्द होता है। वो लड़का वहीं के वहीं 3 मिनट के अंदर शरीरांत हो जाता है। मौत का कौन देखा है? इसलिए मैं कहा, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी को आनंद से जिए। आज से करीब करीब 8 महीना पहले ये कोंडा गांव पड़ता है, ये बस्तर के पहले, वहां एक बच्ची अपने रोड पे आ रही थी, और रोड पे आ रही थी उसको एक ट्रक ने टक्कर मारी, और ट्रक मारते ही हॉटस्पॉट वहां पर मात्र 2 मिनट का 30 सेकंड के अंदर उस लड़की के शरीर का चिथड़ा उड़ गया। कौन जानता है मौत को? मौत को कोई नहीं जानता। इसलिए आज अवसर मिला है, आज ये सुंदर तन मिला है, आज ये सुंदर जीवन मिला है, आज हमको सुंदर अवसर मिला है, समाज का निर्माण कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। आज अवसर मिला है माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, आज अवसर मिला है अपने बच्चे को सही ज्ञान दे सकते हैं, आज अवसर मिला है बड़ों को सम्मान कर सकते हैं। यदि छल और छद्म करके जीवन को बर्बाद किए तो हासिल आया कुछ नहीं, जंजीर में बस बंद करके जाना होगा। यदि आज हमने जीवन को प्रेम से जिया है, प्रेम से जीवन को सींचा है, सम्मान से, आत्मसम्मान से जिया है, तो जब भी जहां भी जाएंगे लोग हमारा सम्मान करेंगे, जहां भी रहेंगे आनंद और मुस्कुरा करके जिएंगे। और सही ढंग से नहीं जिया, द्वेष और शिकायत करके जीवन को बर्बाद कर दिया तो हमारे साथ में क्या जाएगा? इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये प्यारी सी नन्ही सी जिंदगी है, इसमें शिकायत मत रखें। भगवान के भरोसे बच्चे को मत बिठाइए, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, परमात्मा के भरोसे बच्चे को मत बिठाइए, कर्मों के भरोसे बच्चे को बिठाइए। भगवान और परमात्मा के भरोसे से जीवन नहीं बदलता है, बदलता है अपने कर्मों को बदलने से, बदलता है वैचारिक क्रांति करने से, बदलता है विचारों को बदलने से। पूजा और पाठ से कुछ देर के लिए मन में शांति मिल सकती है, लेकिन अंततः शांति का स्रोत वहाँ नहीं है। शांति का स्रोत आपके पास है, आप अपने कर्मों को बदलते हैं, आप अपने जीवन का छानबीन करते हैं, आपके ही अंदर सुख और शांति का स्रोत है, महसूस होता है। मृगा गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों में बहुत दूर तक पानी के लिए, और मृग अपने ही सुगंधों के लिए दूर तक दौड़ता है, लेकिन उनको पता नहीं धूप में ये लहरें हैं जो पानी नहीं है, और जो सुगंधि आ रही है वो मेरे ही अंदर से सुगंधि आ रही है, उनको पता नहीं होता है। वैसे ही आदमी आत्मा और परमात्मा के चक्कर में जीवन अपना बर्बाद करता है, बाहर ढूंढता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आज भी अवसर है हम सब जागे, और उस आत्मा के लिए यही है, उनसे इस दुनिया में रहे, उनसे जो कुछ हम सीख पाए वो सीखे, हमारे साथ वही जाएगा, और हम ऐसा कर्म न करें कि हमारे जाने के बाद लोग उसकी निंदा करें, हमारे जाने के बाद लोग उसकी प्रशंसा करें। ऐसे ही कर्म करें तो हमारा उत्थान होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब हमारे साथी अनिल साहब के द्वारा कुछ विचार श्रवण किए, इसी क्रम में मैं भी आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। मैं अपनी बात एक सच्ची घटना से करने जा रहा हूँ। यह घटना बनारस की है। दो भाई थे, छोटा भाई गांव में रहता था, खेती बाड़ी देखता था, और बड़ा भाई बनारस शहर में अच्छी नौकरी करता था। स्वाभाविक बात है, गांव का आदमी, खेती बाड़ी करने वाला आदमी सामान्य ही कपड़ा पहनता है, लेकिन जो अफसर ग्रेड का आदमी है वो गांव का वेशभूषा नहीं पहन सकता, उसको अपने पोस्ट के अनुसार से भी कुछ पहनना पड़ता है। तो वह, उसका जो बड़ा भाई था, उसका परिवार
जब कभी भी गांव उन लोग जाते तो छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े को देखकर, उसकी शान और शौकत को देखकर अंदर ही अंदर वह जलता था। जबकि बड़ा भाई उनकी हर जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वह समय समय से वो पूरा करता था। ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी मिल गई है मैं ठाट बाट की जिंदगी जीऊं, ऐसा नहीं। भाई है, उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उन सबके प्रति उनको अपनत्व का भाव था और अपनत्व के भाव से वह उनकी सेवा किया करता था। और जब जब उसे अवसर मिलता था तो चावल ले जाता था, गेहूं ले जाता था, भाई घर की फसल है दिया जाता था, वो ले जाते थे। बहुत ही अच्छा उनका जनजीवन चल रहा था। लेकिन छोटे भाई के मन में क्या है, जलन, आंतरिक जलन हो गई। वह जलन इतनी बढ़ी कि होली के त्योहार में बड़ा भाई अपने परिवार के साथ होली मनाने घर आया, गांव आया। वह तेजाब को किसी रंग में घोलकर अपने भाई के चेहरे पर डाल दिया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी तरह से वह जल गए, किसी तरह से उनके प्राण बचे। 2 साल तक वह व्यक्ति कोमा में रहा। 2 साल तक के, 2 साल के बाद जब वह कोमा से उठा, मेरे प्राण बच गए, वाह, सोचा कि चलो मेरी जिंदगी बच गई है, मैं अपने भाई अपने गुरुदेव के पास जाऊं। उनके गुरुदेव थे हमारे सदगुरु, स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब। मैं उनकी सेवा में था, इस घटना को मैंने सुना वहां पर, तो उन्होंने ये घटना बताई अपनी। और सारी घटना बताने के बाद वह गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता है, गुरुदेव मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि जो मेरे भाई ने मेरे प्रति जो किया है उसको मैं बदला चुकाऊंगा, केस उसको जेल भिजवा के रहूंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा बैठो, गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम मेरे पास बैठो। उसको अपने पास बैठाए, अब बड़ा प्रेम से कहे, देखो बेटा 2 साल तक के तुम कोमा में थे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए पता नहीं कहां कहां से कर्ज ले लेकर तुम्हें दवा पानी हॉस्पिटल का बिल उन्होंने पेट किया, कितने कर्जे होंगे आपके भी, और ऊपर से तुम और कर्जा करना चाहते हो। तुम्हारे भाई ने जो किया सो किया, उसको तो सजा मिलेगी ही, जेल जाने से सजा नहीं मिलती है, एक और सजा होती है अपने कर्मों की। हम अपने कितनों भी छुपकर कर्म कर लें, उसकी सजा हमको इसी जीवन में काटना है। हम गलत किए हैं तो उसका परिणाम हमें गलत ही मिलेगा, ये अटल सत्य है, वो अटल नियम है ये। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये केस, ये लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा भाई जो किया है सो किया है, उसको छोड़ो, उसे तुम क्षमा कर दो, और अपना जो अब फोकस किस पे करो, एक नई जिंदगी पर फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ पालो पोसो, अच्छी डिग्री दो उनको, और एक अच्छे फोकस पर तुम अपना कदम बढ़ाओ। वह व्यक्ति विवेकी था, समझदार था, और गुरु के द्वारा उसे क्या मिला, क्षमा का मंत्र मिला। और वह खुशी से नाचते हुए कहाँ चला गया, अपने घर, और बढ़िया से वह नौकरी चाकरी में अपना लगाया, उसके बच्चे बड़े हुए, धंधा पानी में लगाया, और वह व्यक्ति धन धान से संपूर्ण हो गया। उसके पश्चात
उसकी एक पोती हुई और पोती का उन्होंने नाम रखा क्षमा। क्या नाम रखा? क्षमा। थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, गुरुदेव जी आ रहे हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो उस भाई को वह मंत्र मिला, उसकी पोती हुई, तो उन्होंने उस पोती का नाम रखा क्षमा। पोती का नाम उन्होंने रखा क्षमा। किसी ने कहा है, लाखों फूल कम हैं गला सजाने को, लाखों फूल कम हैं गला सजाने को, एक भूल काफी है, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को, जिंदगी भर रुलाने को। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है, पूज्यपाद गुरुदेव जी का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होने वाला है। आप सभीों से निवेदन है कि आपके पास एक नटखट बालक है हर के पॉकेट में, उसे आप संभाल के रखें, साइलेंट मोड में रखें, ताकि सीधा संचार आपके मन में हो। अगर हम मोबाइल में लग जाएंगे तो यहाँ जो हम आए हैं उससे हम अछूते रह जाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि एक घंटा के लिए अपने अपने मोबाइलों को आप लोग साइलेंट में रखें, दुनिया से हटकर अपने आप में रमें। यही निवेदन है। पूज्यपाद गुरुदेव जी से निवेदन है, आप अपने ज्ञान गंगा से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते
सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, जिसको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं, जिसको तू अपना कहता है ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं, टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, जब से जग को अपना समझा तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा हर बार गर्भ में सूल गया, जब से जग को अपना समझा तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा हर बार गर्भ में सूल गया, अभी वक्त है सुन ले बंदे, अभी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में फिर पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है, बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है, हाथ गुरु का थाम ले वरना, हाथ गुरु का थाम ले वरना, बीज भंवर डूब जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, बह जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है, बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है, बह जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है, बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है, गुरु चरणों से प्रीति कर ले, गुरु चरणों से प्रीति कर ले,
अंत गुरु में समाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।